विष्णु भैया बोल रहा था कि हमको हमारे बेटे से एक बारी मिलवा दीजिए। युवराज के नाना जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप युवराज को मिलवा दीजिए विष्णु से। यदि विष्णु गलत होता हमारे नज़र में तो रियल में हम कभी मिलने नहीं जाते। दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं? और भैया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आप सबको पता है कि आज हम नाना को लेके गए थे जेल में मिलने। और दोस्तों वहाँ पे काफ़ी अनोखी अनोखी बातें हुई है, बहुत समझ लीजिए बहुत परेशानी की बात हुई है, बहुत दिक्कत की बात हुई है। और क्या बात हुई हम आप सबको बताएंगे। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या विष्णु को युवराज से मिलना चाहिए, मतलब युवराज को विष्णु से मिलना चाहिए कि नहीं, एक बेटे को एक पापा से मिलना चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों बात है विष्णु भैया की, आज हम लोग गए थे जेल में मिलने तो वहाँ पे बातें हुई कि महादेव और युवराज को एक बारी हमसे मिलवा दो। मतलब विष्णु भैया है, मिलना चाहता है और बोल रहा था कि युवराज को मिलवा दो और हमको हुआ दिक्कत। विष्णु भैया को दोस्तों बहुत ही एक बड़ी दिक्कत हुई है और वो जब से गया है तब से हॉस्पिटल में ही है, जेल में, मतलब हॉस्पिटल बना रहता वहीं पे है। और वहाँ पे मंजीत भाई, उनको विष्णु भैया क्या बोल रहा था, एक हेपेटाइटिस क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस बी करके दिक्कत हो गई है। एबीसी। और पहले नाना से मिलते हैं, नाना से पूछते हैं क्या हुआ। नाना हाँ मिल रहा है विष्णु से? हाँ, कितना दिन बाद मिला नाना आज? 3 महीने। 3 महीना बाद आए हाँ विष्णु से। हाँ कैसन लगल है आज मिल के? नीक लगल है। और कैसन नीक लगल लगा है, पर कहली है कि जेल में से हाल से कैसे भगवान निकाला है उसका। हाँ और क्या कहा था युवराज के बारे में? युवराज के बारे में यह कहता है कि हमको मिला दे हमकी नाना से कह के। देखिए दोस्तों, नाना भी सुने हैं, वहाँ पे बातें हुई है कि विष्णु भैया बोल रहा था कि हमको हमारे बेटे से एक बारी मिलवा दीजिए। युवराज की बहुत मोह लग रही है और सबकी मोह लग रही है, लेकिन क्या करें, आज हम कुछ नहीं किए हैं फिर भी हम यहाँ पे हैं। आज बहुत ही कष्ट हो रहा है, बट क्या करें। लेकिन आप एक बारी महादेव बोलना कि युवराज के नाना जी से कि हमको मिलवा दे हमारे बेटे से। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं युवराज के नाना जी से, विष्णु भैया के ससुर जी से, मालती भाभी के पिताजी से कि पिताजी आप युवराज को एक बारी विष्णु भैया से मिलवा दीजिए, क्योंकि काफ़ी परेशान है। और आप एक पापा हैं, आप एक 4 बच्चों के पिताजी हैं, आप खुद जिम्मेदार हैं अपने घर आप के, जिम्मेदार आपको हैं, पता ही होगा। आपको खुद पता होगा कि एक बेटा जब बाप से दूर होता है या बाप बेटे से दूर होता है तो उसको कैसा लगता है। और ऐसा नहीं है कि उनकी वाइफ नहीं है दुनिया में, आपकी बेटी नहीं है तो विष्णु को कष्ट नहीं है। रियल में आज बहुत रो रहा था विष्णु, सच्ची बता रहे हैं, आज वो रो रहा था, बोल रहा था कि महादेव हम कुछ किए नहीं हैं फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं और क्या बताएं। और बेटे से भी दूर है, फैमिली से दूर है, सबसे दूर है। यदि हम अपने आप को सच साबित करते, हम अपना हर गुनाह बताते, हम बेगुनाह बताते कि मतलब क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं कैसे क्या हुआ, लेकिन हम यहाँ हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं। तो युवराज के नाना जी से निवेदन है कि आप युवराज से विष्णु को मिला दीजिए। और कोई भी मिलना चाहता है, युवराज, निरहू, उनके पिताजी, तो जाके मिल सकते हैं, पीसी क्योंकि जेल में जाकर मिल सकते एक बार हैं। मिलिए, देखिए वहाँ की ज़िंदगी क्या होती है। यदि देखिए मान रहे हैं कि गलती है, सबकी गलती है, एक इंसान की गलती नहीं होती, हम खुद हैं। यदि रियल बता रहे हैं, हम एक भाई हैं, यदि विष्णु गलत होता हमारे नज़र में तो रियल में हम कभी मिलने नहीं जाते, रियल में नहीं मिलने जाते। बट चलिए, और उसको दिक्कत क्या हुई है, क्यों मिलने के लिए बोला है, क्योंकि उसको हो गई है हेपेटाइटिस बी और ए बी सी, एबीसी। 3 प्रकार के होते हैं, सबसे हार्ड भी हो गया है। और वो जब से गया है जेल में तब से हॉस्पिटल हॉस्पिटल में में ही ही है। है, और वहीं से जब भी आता है मिलने तो वहीं से आता। हम तो हफ्ते दिन पे, 15 दिन पे, 1 महीने पे जाते हैं, क्योंकि 5-6 बार गए हैं मिलने। जो भी सामान ज़रूरत पड़ती है हमारे पास खबर भेजता है, या फिर कोई जाता है तो जाते हैं, दे के चले आते हैं। वहाँ देखने के बाद रियल में बता रहे हैं कि कलेजा दहल जाता है। और बेटा मेरा युवराज नहीं दिखता ना, तो मम्मी कसम बता रहे हैं, युवराज को देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, आज भी युवराज का, भाभी का, सबका वीडियो हम रखे हुए हैं अपने फ़ोन में। रियल में बहुत याद आती है, सबकी याद आती है, लेकिन क्या बताएं, ऐसा वक्त ऐसा समय है कि चलिए। बट दोस्तों
युवराज को उसके पापा से मिलना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके बताइए। और आप लोग भी एक बारी दुआ करिए, और आप भी एक बारी युवराज के नाना जी से रिक्वेस्ट करिए कि युवराज को विष्णु से मिला दें, रियल में मिला दें। मंजीत भाई तब मिल के आए, बहुत रो रहे थे लेकर कि बेटा को लेकर कि मिलवा दो एक बार उनके नाना से कहकर। दोस्तों सबको याद कर रहा था, अपनी YouTube फैमिली को याद कर रहा था, और रियल में सबको पूछ रहा था कि इस समय सब लोग कहाँ हैं, कौन कौन पूरी YouTube फैमिली कहाँ है, हमारी सब साथी कहाँ हैं, हमारे ससुराल वाले कहाँ हैं, युवराज के नाना जी कहाँ हैं, एक बार उनसे बातें करना कि हमारे बेटे से मिलवा दें। और रियल में युवराज के नाना जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप युवराज को मिलवा दीजिए विष्णु से, और आप भी साथ में चले जाइएगा। बाकी जो भी है आपको सब पता है, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप गंवार कैसे हो सकते हैं, आपको सब दिखता है। पर चलिए, और भगवान उनका भी भला करे जो हमारे भाई के साथ, हमारे भाभी के साथ, हम लोग के साथ गलत किया, भगवान उनका भी भला करे, और भगवान उनका भी भला करे जो हम लोग के साथ सही किया है, दोनों लोग का भला करे, क्योंकि हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, हमारी शुरू से आदत है। तो दोस्तों, और आप लोग कमेंट करके बताइए, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, और सपोर्ट करिए, और समझिए, हौसला दीजिए, और कमेंट करके बताइए। आप लोग का कमेंट से हिम्मत मिलता है, रियल बता हौसला रहे। मिलता है कि आप लोग साथ हैं। जिनका परिवार बिखरता उन्हीं को लोग पता लगता है, तो हमारा आज परिवार टूटा है दोस्तों, और आप ही लोग हमारे परिवार हैं, आप ही लोग हमारे सहारा हैं। बस आप लोग कमेंट करिए, जो भी आपको उचित लगे, जो भी रियल रहे, जो भी हकीकत रहे, वो कमेंट करिए। हम ये नहीं बताएंगे कि ये कमेंट करिए, वो कमेंट करिए, बस बाकी जो भी अपडेट रहेगा हम आप सबको बताएंगे, जैसा विष्णु भैया कहेगा हम आप सबको बताएंगे, और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और एक बारी कमेंट जरूर करिए कि विष्णु को युवराज से मिलना चाहिए, युवराज को विष्णु से मिलना चाहिए कि नहीं, और युवराज के नाना जी को क्या करना चाहिए, विष्णु को युवराज से मिलाना चाहिए कि नहीं। दोस्तों बाय बाय।